अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक, जबरदस्त। और मतलब है कि आज फिर अपनी शक्ल दिखा रहा हूँ एक नई रिव्यू के साथ। तो आज हम जिस गाड़ी के रिव्यू करने वाले, आप टाइटल देख रही है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि 1986 मॉडल है एंड लंदन का मतलब है कि मॉडल है, जिसके अंदर आपको मतलब एक मुख्तलिफ चीज मतलब है कि जो आफ्टर मगेडी स्टाल है, लेकिन गाड़ी की हालत इतनी रफ है ना कि मैं आपको बता दूँ आगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जरा सा इसके मीटर बता देता हूँ। ये इसके अंदर स्टालेशन है जो कि मैं आपको भी दिखाता हूँ, और ये देख लें डिजिटल मीटर इसके अंदर स्टॉल है। एंड गाड़ी की हालत इतनी रफ है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा डस्ट, और मतलब है कि काफ़ी कोई इवेंट्स है कोई नहीं है, अल्लाह माफ़ करे। ये गाड़ी की प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, गाड़ी की प्राइस जी आपको मिल जाएगी 4 लाख रुपये में। तो जिस तरह आज कल मतलब है कि प्राइस जा रही है, तो उस लिहाज से 4 लाख ठीक ही है। मतलब ये थोड़ा बहुत रफ यूज़ गाड़ी हुई है, वो आपको ठीक करवानी पड़ेगी। जिस तरह की अब इसके डैशबोर्ड हो गया, जैसा इसके विंड्स वगैरह उड़ गए हैं, इसके ये देख लें हालत कितनी गंदी है। तो रिव्यू की तरफ चलते हैं एंड एंजॉय। तो ये इसका आ गया जी, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था कि इसका आ गया डिजिटल मीटर, एंड यहाँ पर आपको स्टेयरिंग मिल जाता है, एंड जो कि इसका लोगो वगैरह उड़ गया है। ये आ गया इसके बटन हॉर्न के, दो अगर एक काम ना करे तो दूसरा ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसका मिल जाता है जी पेट्रोल, मतलब यहाँ पर आपको सीजी एंड पेट्रोल स्टॉल मिलती है, और डैशबोर्ड की काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब है, एंड टूटा हुआ कहीं से भी नहीं है, बस इसके एसी के वेंट्स वगैरह गुम हो गए हैं, वो तो है ही नहीं, पता नहीं कहाँ गया। तो जिसके पास भी थी अल्लाह माफ़ करे, क्या बताऊँ। यहाँ पर आपको एमपीसी वगैरह स्टॉल, मतलब ये आपको एक एक्स्ट्रा मिल जाता है फ्री में, दहेज में मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जी इसका आ गया जी तुरतुरू, आ गया जी इसकी गेयर, और फिफ्थ गियर गाड़ी है एंड छः मेरी पास। यहाँ पर आपको जी मिल गया इसका हैंड ब्रेक। यहाँ पर आपको कंसोल की बात करें तो कंसोल के इसका उड़ गया है, जो कि आपको डक्कन लगाना पड़ेगा, एंड नीचे कंसोल आप मतलब कुछ भी चीज़ें वगैरह रख सकते हैं। तो डैशबोर्ड की बात करते हैं, डैशबोर्ड को आपको यहाँ पर वॉल क्लॉक मिल जाती है, यहाँ पर आपको इसका खाना मिल जाता है, जिसके अंदर आप मतलब सिगरेट वगैरह शराब वगैरह रख सकते हैं नाउज़ुबिल्लाह। यहाँ पर आपको माशाल्लाह मिल जाता है इसका, ये जो कोई अच्छी बात है लगा रखा है इसकी, मतलब सफ़र की दुआ। यहाँ पर आपको इसका एसी का मिल जाता है, एसी कह रहा हूँ, इसका अपनी शक्ल मुबारक देखने के लिए एक मिरर मिल जाता है। यहाँ पर आप ये उड़ गया है मेरे हाल से, ये भी उड़ गया है। इसके अलावा छत देख लें, छत कितनी ज़्यादा गंदी है, तो छत की बात तो ना ही करें तो अच्छा है, इतनी ज़्यादा मतलब है कि गाड़ी गंदी है। छत ये देख लें कितना ज़्यादा नीट एंड क्लीन है, ये आपको सर्फ एक्सल से धोना पड़ेगा। इसके अलावा सीट्स की बात करते हैं, तो ये आपको मतलब है जी मिल जाती है, इसके ऊपर कवर ज़बरदस्त से लगी हुई है, जिससे आपको बड़ा लग्जरी फील होगा, जिस तरह आप मर्सिडीज़ में बैठे इस तरह फील होगा आपको। एंड यहाँ पर इसकी गद्दी की बात करते हैं तो ये ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ पर आपको हार्ड प्लास्टिक में एक क्रोम मिल जाती है, दूसरा ये आपको मिरर के बटन मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको 20 रुपये आपको मिल जाएंगी गाड़ी जब आप लेंगे तो। इसके अलावा आपको 2 मास्क सही नीट एंड क्लीन मिल जाएंगे, कोई डस्ट वगैरह नहीं होगी इसके ऊपर। यहाँ पर आपको एक चौक मिल जाएगी, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे इसके साइड मिरर के बटन, एंड यहाँ पर तो वही ना तो तुरुसा, ये आ गया वाइपर के, ये आ गया लाइट के। तो बात करते हैं आप फ्रंट के ऊपर यहाँ की, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है ऑटो बटन, एक मिरर मिल जाता है, इसके अलावा आपको मैनुअल 3 मिल जाते हैं मिरर के। तो देखते हैं ये स्टार है कि नहीं, और मतलब कि ये नान चालू, ये आपको चलाने पड़ेंगे, ये चलते नहीं है शायद। तो इसके अलावा यहाँ पर आपको हार्ड प्लास्टिक मिल जाएगा। तो अब चलते हैं ज़रा सा इसके बाहर निकल के, देखते हैं गाड़ी कितनी नीट एंड क्लीन है, तो बड़ा आपको लग्जरी फील होगा इसके अंदर। तो इसकी सील देखते हैं यार, तो सील्स की बात करें तो यहाँ से कुछ टूटी हुई है, कुछ ठीक है, और यहाँ से ओरिजिनल है, यहाँ से फिर थोड़ी बहुत उखड़ी हुई है। तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा रफ मतलब एक रफ यूज़ की गई है। तो बैक साइड के ऊपर चलते हैं, एंड बैठूंगा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी है, साफ़ है ना तो फिर ख़राब हो जाएगी मैं बैठूंगा तो। इसके अलावा यहाँ पर आपको स्पीकर मिल जाते हैं, यहाँ पर आप इसका सिस्टम वगैरह देख लें, एंड थोड़ी बहुत आपको ड्यू भी पड़ी मिलेगी। इसके अलावा सीट्स की बात करते हैं, तो ये ऊपर कवर लगा रखे हैं ओरिजिनल, इसकी सीट्स शायद दूसरी हैं, ये आफ्टर मकी लगा रखी है इन्होंने। यहाँ पर आपको सिगरेट लाइटर का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। तो एक मुझे इतना ज़ुकाम लगा है कि क्या बताऊं। तो गाड़ी के अंदर से मैं आपको फ्रेम दिखा देता हूं थोड़ा बहुत इसका,
तो गाड़ी अंदर से अपनी हालत में, मतलब एक ओरिजिनल अपनी हालत में, पैड में जो भी है, जैसे कहते हैं जेन्यन, तो ये जेन्यन है। ओके, तो यहाँ से सील खुली हुई है, फिर यहाँ से सील स्टार्ट है। तो ये आपको मिल जाएगा एक ओरिजिनल चीज़ साफ क्रोम की, एंड जी आ गया इसका साइड मिरर। यहाँ पर आपको हैंडल मिल जाएगा। हाँ जी, हाँ ये आपको हैंडल मिल जाएगा क्रोम में, एंड जो कि लक्सी है। इसके अलावा यहाँ पर आपको रबड़ीनुमा मिल जाएगी जो कि काफ़ी ज़्यादा नीट है। इसकी मैं आपको सफाई दिखा देता हूँ कितनी ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। लेकिन पैंट जो है वो ओरिजिनल है, मतलब गाड़ी के फिर कहीं पर भी आपको पैंट नहीं मिलेगा। मतलब है कि पैंट का मतलब कि आफ्टर मकील कोई भी पैंट नहीं हुआ, जो कि गाड़ी का ओरिजिनल पैंट आया था वो ही है, और लेकिन ऑलरेडी ख़राब है ये गाड़ी। अब बैक साइड से मैं आपको दिखा देता हूँ, और बैक साइड की इसकी कंडीशन देख ले। और यहाँ पर आपको इसकी लाइट्स मिल जाती हैं जो कि कितनी ज़्यादा गंदी हैं, और गाड़ी हल्के बंदे ने वाश भी नहीं करवाई है, इतनी तोफीक नहीं मिली इसको। ऐसी सिलोन लिमिटेड का एडिशन, एंड 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 फ्रंट से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका फ्रंट, ये आ गई इसकी लाइट्स। कितनी ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। तो गाड़ी पहले तो मैं मेरे ख्याल से आपको वाश ही करवानी पड़ी है, एक दो दिन लगाने पड़ेंगे वाश करवाने के लिए। तो गाड़ी इतनी ज़्यादा माशाल्लाह नीट एंड क्लीन है, वाह मज़ा ही आ गया। ये रूह आपको बहुत मज़े का लगेगा। वाह, ये आ गया इसका इंजन। तो अंदर से मैं आपको फ्रेम दिखा देता हूँ, ये इसका फ्रेम आ गया। और इस गाड़ी की माशाल्लाह चाबी गुम हो चुकी है, तो वो अभी ढूंढ रहे हैं कहीं पर, अब मिल जाए अल्लाह करे। तो ये आ गया इसका इंजन, एंड आपको यहाँ पर इसकी सीएनजी स्टॉल मिलती है। तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन है, इस तरह आपको गाड़ी कहीं नहीं मिलेगी। ओके, तो अब चलते हैं ज़रा सा ट्रंक की जानिब। हाय हाय हाय, तो ट्रंक की जानिब चलते हैं और देखते हैं अगर ट्रंक खुल जाए तो। यहाँ पर इसके बटन दिए जाता है, एक तो फ्यूल का एक ट्रंक का। चलो जी, कुछ तो अच्छा हुआ। तो अब चलते हैं ट्रंक की जानिब, और वाह ओहो इतनी मज़े की गाड़ी, इस तरह आपने गाड़ी देखी होगी। तो ये इसका आगे पिक साइड इसका फ्रेम, एंड यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा ट्रंक मिलता है जो कि बिल्कुल फारिग हो चुका है। इसके अलावा ट्रंक की आपने ऑलरेडी वीडियो नुमा देख रहे हैं कंडीशन, यहाँ पर आपको सीएनजी का मिल जाएगा। जहाँ हाथ लगाओ तो इतनी इतनी मिट्टी मिलती है। तो ये गाड़ी की कंडीशन है। तो अब मैं ज़रा सा आपको इसका रूफ दिखा देता हूँ ऊपर से। तो रूफ ठीक है माशाल्लाह, ओके। तो ये गाड़ी का रिव्यू था। तो इसकी प्राइस मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है, और ये टोयोटा कोरोला 86 है। और उम्मीद है कि आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।
तो मज़ेदार रिव्यू था। तो पहले तो आपको गाड़ी वॉश करवानी पड़ेगी, इसके अलावा और कुछ करना पड़ेगा। तो ओह सॉरी, आपको मैंने टायर्स की कंडीशन नहीं बताई, तो मिस्टेक इसके लिए। तो ये इसके टायर्स जो कि बिल्कुल माशाल्लाह फारिग हो चुके हैं, 35% आपको इसके टायर मिलेंगे। अंदर से भी गाड़ी ठीक ही है एंड इसके लायरे में आपको मिलेंगे, और मुझे नहीं पता कि इसका कलर कौन सा जितनी इसके ऊपर मिट्टी लगी हुई है। तो टायर्स की कंडीशन तो मेरे ख्याल से चारों की एक ही है, हाँ एक ही है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में एक नए रिव्यू के साथ। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, टाटा, बाय बाय। सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, तो नीचे मैं आपको इसका नंबर दे दूंगा और अपने इस मतलब भाई से आप रब्ता कर सकते हैं। और एक मेरा प्याम लाजमी इस भाई को दीजिएगा कि प्लीज़ गाड़ी वॉश करवा लो।